अकाल सतगुरु सर्व रक्षक लोक परलोक सहायक दुख हरता प्रीतम जियोदी परम पवित्र कल्याणकारी सर्वत सुख दाता गोदी विच बैठ करके गुरु परमेश्वर जी दे पर उपकार नाल बख्शी मनुख देही नूं सफलियां कर रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप जी श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी दी याद गुरु की कृपा द्वारा सिरजे हुए संत समाज गुरमत सिद्धांत प्रचारक संत समाज दे प्रधान श्रीमान बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी जी की सरप्रस्ती प्रबंध हेठ सत्कार योग मंच ते सुशोभित पंथ दी महान माया नाज हस्ती महंत बाबा तीर्थ सिंह जी इताद दास तो पहला आप जिया ने बाबा तारा सिंह जी दे जीवन बारे काफ़ी कुछ सुनिया। कुछ क मिनट मैं आप जी दे नाल सांझ करनी है पे गुरसिख बनदा किमें सिख तो जीवन की यात्रा गुरसिखी तक किमें पूरी होंगी जिसनों असी गुरमत की रोशनी विच संत भी आख्या गुरमुख भी आख्या ब्रह्मगानी भी आख्या रसिया भी आख्या सालक मित भी आख्या। गुरु साहब जी एक बारी इस तरह रुखे वातावरण नूं वेख के वराग चाखदे नानक दुनिया कैसी हुई किहो जिहा संसार बन गया बई सालक मित ना रहो कोई इत्थे कोई सालक मित्र मित्र संत नहीं कोई रह गया संत बड़े ने पर मित्र संत नहीं रहा सालक मित्र रसिया नहीं रहा बैरागी नहीं रहा पर वक्त ने गुरु ने अमृत दृष्ट पेखे बस होए संत इन्ना ही चिर लगता एक संत बनाने दे लई धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं किते अमृत दृष्ट नाल एक वारी भी नज़र भर के वेख लै रहम दी नज़र नाल बस संत बन जांदा। पर इहदे लई जदों साडी जीवन नूं घड़न दे लई इस जीवन नूं तराशन दे लई जिस समें च असीं रह रहे हाँ उह समा एडा भयंकर है जिहदे विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वैश चुगली निंदिया वखीली आशा तिशना राग दवैख दुबता एहो जिहियां अनगिणत इस संसार दियां समस्यावां ने इस समुंदर संसार दियां लहरां ने जिहड़ियां असीं मन्नदे आं इहदे चों पार तरन वास्ते पार उस साई कोल जाण वास्ते एक सिखी दा स्ट्रक्चर तस्वीर ढांचा मॉडल तैयार किया गुरमत ने गुरु ग्रंथ साहिब जी ने वो ये बनाया पे गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै उद्यम करे भलके प्रभाती स्नान करे अमृतसर नावै उपदेश गुरु
हर हर जप जापै सब किलबिख पाक दोख लह जावै फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सास क्रास त्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावै जिसनू दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक तूर मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपहे अवरा नाम जपावे। मैं संत बाबा तारा सिंह जी नूं जदों रसिया मिठा जिहा संत वेख्या ना प्यारा जिहा मुहब्बतां वाला निम्रता वाला यह कोई जीवन दा जवानी कलामी नहीं है यह तां जीवन घड़िया गया इदां दा जीवन बनाया गया वड्डियां दी बजुर्गां दी सोबत विच रह के वड्डियां बजुर्गां दीआं झिड़कां खा के मारां खा के जिवें एक सोना कुठाली च बार बार पैंदा मार खाई जांदा फिर एक दिन सुंदरता दा सोमा बन जांदा। इसे तरह वह संत घड़िया गया बजुर्गां दी संगत च रह के महापुरशां दी संगत च रह के इदां दा निम्रता वाला संत बन गया। आ देख लो दे बारे हुण दसण दी कोई लोड़ नहीं भी किदां दा बनिया उहदे बारे एक गुरमत ने सानू दस्या भी जे सानू लोड़ पै जाए इदां दा बनन दे लई फिर सानू इदां बनना चाहीदा पे जेड़ा भी गुर सतगुर का गा जो सिख खाए जेड़ा भी अपने आप नू गुरु का सिख अखावे। उंज तां इत्थे दो गल्लां ने बड़ी बरीक जिही गल है मैनू समय का नहीं पता लग्या मैं किन्ना क लाउणा उस लिहाज नाल मैं अपने आप नू तोर लैंदा। खैर कहण तो भाव एक बड़ी बरीक जिही गल कही भई गुर सतगुर का जो दो गल्लां ने ना गुर और सतगुर का जो सिख अखाए आंगे भटक जांगे गुर सतगुर का जो सिख अखाए फिर वह की करे कल्ला ही सिख ना होवे कल्ला ही दास ना होवे दासां दा दास होवे। एक तो होया ना गुरु का सिख एक गुर ते सतगुर का दो दा सिख होवे आसाध संगत दा भी सेवादार होवे सिख बने निम्रता वाला एडी गरीबी वाला एडा प्यारा हो जाए एडा मलिया जाए एडा मलिया जाए हों रह ही ना जाए एडा मलिया जाए एडा मलिया जाए बस हों ना रह जाए जिन्ना मलिया जाएगा तेरा मुल वध जाएगा याद रखी। आप पश्मीना देखिए ना किन्ना मलिया किन्ना मुलायम ते किन्ना मुल वध गया पचास पचास रुपए च भी तो कंबल मिलता वह भी कंबल ही है ना पर मुल नहीं वध्या उहदा क्योंकि मलिया नहीं गया। एदा जिन्ना चिर सिख कसबोटी ते सिखी विच मलिया ना जाए सिखी का हीरा नहीं झोली च पै सकता। गुरु पिता जी बचन करते ने पे गुर सतगुर का जो सिख खाए जेरा भी अखावे फिर की करे भलावे उहदी शुरुआत किवें है ते पलके उठ हर नाम त्यावे। असी सिखी कमाण वेले भला रोज की करदे आ बहुती सिखी करड़ी कमाण की कोशिश करिए झट चारे अखां खुलियां याद जाग आई एकदम उठ के इशनान करन चले गए इदां तां सिख दी घाट नहीं ना घड़ी गुरु ने तो इउं घड़ी है भी पहला सब तो नाम जपे सब तो पहला गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ हर इशनान नहीं ना आख्या नाम त्याए नाम त्यावै इहनू असी बाईपास किया इस पौड़ी नू छड़ दिता असी बौला किया उठ के उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नावै दूजी पौड़ी तां असी स्वीकार कर ली पर पहली पौड़ी छड़ दिती ते जिहदा शुरुआत ही गलत हो जाए सोच के वेखो जिहदा शुरुआत ही गलत हो गया मंजिल आ सकती है कदी नहीं आ सकती। शुरुआत इथों सी पे गुरु ने यह गल सानू समझाई सी पे सिख उठदे सार पहला समाधि च बैठे नाम जपे उठ के सिमरन करे फिर सिमरन करन तो नाल फिर उद्यम करे अवेसला ना होवे ढिला ना होवे दलिद्री ना होवे जिहड़ा जुला पाए ना उपर दलिद्र वाला इहनू ला के परे सुट के उद्यम दे नाल इशनान करे फल मिलेगा अमृतसर दे इशनान दा।
ਏਡਾ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਘੜੀ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਭਈ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁੜ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜੁੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਔਰ ਜਪਦਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਦਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ। ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਹਿਬਾ ਜਪ ਗੁਰਨਾਉ, ਗੁਰੂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹਜਾ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਹਿਬਾ ਜਪ ਜਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਿਭਣੀ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਚੜ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਬਾਨ ਦੇ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾ ਸਾ ਸਿੱਖ ਆਖੇ ਨਾਮ, ਸਾ ਸਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪਾਠ ਲੈਸਨ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਠ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾ ਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ, ਭੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਦੀ।
रोम रोम सिमरन करना। ते जिस वेले सिख रोम रोम करके चला गया सिमरन गुरु कोल, ते गुरु ने फिर सिर मारिया भी हले नहीं गल बनी, हले एक क्लास तेरी बाकी, चौथी दी क्लास, चौथी दर्जा, चार अवस्था मनिया जागृत सुपन सुखोपत ते तुरिया, तेरी एक अवस्था बाकी रह गई। ओ अवस्था है एहो जी जड़ी रोम रोम तो ही बाद आएगी। जिस वेले सिख ने पूछा पे महाराज जी वो कृपा करो समझाओ लैसन दो, ता गुरु साहब जी आखदे ने गुरु ग्रंथ साहब जी पे हर जन ऐसा चाहिए बे जैसा हर ही होए। एहो जिहा सिख चाहिदा मैनू पे रब वर्गा चाहिदा, ए तो थले मेरा कोई समझौता नहीं। पर सिख तो गुरसिख हाजर होने वास्ते गुरु साहब जी ने सानू इथे प्रवान कर लिया पे जिसनो दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक तूर मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। सिख तो लैके इथे आके गुरसिख बन गया। ऐ एक नुकता मैं पेश करके समाप्ति करा, सिख तो गुरसिख बन गया। पहला सिख सी गुर सतगुर का जो सिख, सिख खरे ते गुरसिख नहीं है। और इथे गुरसिख आया जो सास ग्रास ते आए मेरा हर हर तिस गुरसिख, जिन्हें सा सा जपया ओ है गुरसिख। साडे च सा सा नहीं आया जी, तां असी तां गुरसिख ही नहीं बन सके। ओड़ निभना तां किते दूसरी गल रह गई, प्रवान होना दूसरी गल रह गई। और गुरु पिता जी ने आख्या जिसने श्वास श्वास नाम जपया ओ सिख होया गुरसिख। गुरसिख ओ बनदा जिदे च दो लक्षण बन गए, एक तां ओ सिख दा हिस्सा उहदे च, अद्धा हिस्सा है उहदे कोल गुरु वाला। आपे गुरचेले दा संकल्प है गुरसिख विच, जदों सिख है उदों ये आप नाम जपदा, ते जदों अवरा नाम जपावे तां ये गुरु दा लक्षण है। गुरसिख विच गुरु भी वसदा उहदे विच सिख भी वसदा, दोनों चीजां मिलके गुरसिख बनदा। ये है एक सिखी दा नक्शा। संत बाबा तारा सिंह जी ने इदां दी सिखी कमाई। मंच ते इहो जे महान विद्वान लोग बैठे ने जिन्हां दे मैं तां पड़छावां नहीं उलंघ सकदा। मैनू तां हजा सिखी दी तुशमात भी समझ नहीं आ सकी, कोशिश कर रहा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ताबिया रह के किसे ढंग दे नाल सिखी दा हीरा सड़दे बलदे संसार विच रहिंदिआं पै जाए झोली विच नाम दा हीरा, तां जो लोक सुखिया परलोक सहेला। सरबत प्रबंधकां दा धन्नवाद सारिआं दा। श्रीमान बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब जी जिहड़े कि साडे सरमौर मन्ने जांदे ने सारे तुसीं जाणदे हो, और श्रीमान महंत बाबा तीर्थ सिंह जी उन्हां बारे तां तुहानूं कोई बहुती दसण दी लोड़ नहीं पैंदी, तुसीं सारे ही जाणदे हो। सारिआं दा धन्नवाद। मैं अपने भुलणहार सुभा अनुसार अनंत गलतियां भुलां कीतियां ने, गुरु साहब जी खिमा करन। तुसी अरदास करिया जे जिस रोशनी भावना विच सानू गुरबाणी मिली उस रोशनी च समझ सकीए, तां जो हो सके लोक सुखिया परलोक सहेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।